नवंबर के महीने में अगर आप मनाली जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए जो आप अपने साथ लेकर जाएं। सबसे पहले आपके पास अपना लगेज होगा, उसमें जो कोई कपड़े होंगे, साथ में इस तरीके का छोटा बैग भी आपको चाहिए, क्योंकि इसमें आप अपने आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सेल्फी स्टिक होगी और अपने एनके होगी, ये चीज़ें जो हैं ये इस बैग में आप रख सकते हैं, या छोटी मोटी शॉपिंग करते हैं वो भी आप इस चीज़ में रख सकते हैं। सेकंड, आपको चाहिए गर्म जैकेट्स, क्योंकि मौसम हो चुका है ठंडा, इसलिए आपको वो भी चाहिए। थर्ड, आपको चाहिए इस तरीके के पावर बैंक्स, क्योंकि भी सफ़र हो जाते हैं लंबे, इसलिए आपको पावर बैंक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कपड़े घर से ले जाने कुछ भूल जाते हैं तो यहीं से भी आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम हो चुका है ठंडा, इसलिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड, फोर्थ, आपको चाहिए अच्छे जूते, जो यहाँ पर स्नो बूट देते हैं वो किसी काम के नहीं होते, तो घर से ही अच्छे बूट पहन कर आएँ ताकि आपको यहाँ पर पैरों को ठंडक ना लगे। तो मनाली पहुंचकर यहाँ पर आकर एक होटल कर लीजिए जो आपको 500 से 1000 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद में सुबह का कीजिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जिस जो कि आपको 100 से 150 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से हो जाएगा। तो उसके बाद में जब अब वैसे तो अभी स्नो नहीं है, स्नो जब पड़ती है तो जहाँ पर आकर आप स्नो की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, और भी जहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं, KTV ये है, इससे भी आप सफारी कर सकते हैं। तो अलग अलग ढंग की आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। वैसे मनाली में लगातार जाम लगते ही रहते हैं, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, तो भी जाम लगते हैं तो हमेशा गाड़ियों में मत घुसे रहा करो, बाहर निकलो और अच्छी अच्छी पिक्चरें क्लिक किया करो। शाम के समय मार रोड पर आ जाइए, जहाँ पर मार रोड पर सिद्धू खाइए, मोमोज खाइए, और भी यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चीज़ें मिलती हैं, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो ये था नवंबर के महीने का पूरा अपडेट। सर्दियों वाले कपड़े लाने ना भूलना, वो क्योंकि भाई मौसम हो चुका है यहाँ पर चेंज, जैकेट, जीन्स की पैंट और बच्चों के लिए गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लेकर आएँ। और अभी स्नोफॉल यहाँ पर हुई नहीं है, इसलिए बड़े आराम से आकर यहाँ पर आप घूम भी सकते हैं।